वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चंस अगर बार बार पूछा जाता है और अक्सर आपके जहन में भी ये बात आ रही होगी कि हम अगर गल्फ में जॉब करना चाहते हैं और हमारा पैशन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल है, हम इलेक्ट्रिशियन हैं। जी हाँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन का। जी हाँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन का, और जो भ्रम है लोगों का उसे मैं दूर करना चाहता हूँ और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में और साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ। जी हाँ, इलेक्ट्रिशियन हाई स्कूल फेल भी है, इलेक्ट्रिशियन 8 पास भी नहीं है, 5 क्लास पास है, इंटरमीडिएट भी पास नहीं है, हाई स्कूल भी पास नहीं है। अभी प्रश्न उठता है कि सर, मैंने 8वीं तक पढ़ाई किया है, मैंने 5वीं तक पढ़ाई किया है और मुझे इलेक्ट्रिशियन के बारे में जो जनरल नॉलेज है, जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरी जानकारी है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? क्या मैं गल्फ में जा सकता हूँ? क्या मैं दुबई में जा सकता हूँ? कुवैत जा सकता हूँ? सऊदी जा सकता हूँ? तो मेरा जवाब होगा जी हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। अब दूसरा प्रश्न आता है यहाँ पे, अगर जा सकते हैं तो फिर मुझे प्रॉब्लम्स क्यों आता है? लोग कहते हैं इमिग्रेशन, तमाम तरह के कागजात, डॉक्यूमेंट्स, और फिर हमें जो है परेशान भी हम लोग होते हैं, पैसा भी ज़्यादा देते हैं, अब उस अकॉर्डिंग हमको सैलरी नहीं मिलता है। अगर हम एलिजिबल हैं, हम जा सकते हैं, फिर भी हमें जो है वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। डियर स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है, इस बात को भली भांति समझिए, अगर इस बात को आप नहीं समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम आपको फेस करना होगा। मैं आपको बताता हूं, यूनाइटेड नेशन ने एक रूल पास किया है, ठीक है, आईएलओ ने, एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रूल पास किया है। उस रूल्स में हर देशों से लोग बुलाए जाते हैं, और आपको यह मालूम होना चाहिए जब भी कोई इंसान किसी काम के लिए जाता है तो उसे वर्क परमिट की जरूरत होती है। किस चीज की? वर्क परमिट। इट मींस कि हम काम करने के लिए जा रहे हैं। जैसे सपोज करिए हम इंडिया में हैं और किसी बाहर के देश को, मैं मान लीजिए जापान के किसी शहर से मैं किसी व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं, तो उस आदमी को हम कैसे बुलाएंगे? तो सीधी सी बात है, उस जिस व्यक्ति को हम बुलाना चाहते हैं, हम ये बताएंगे कि वह व्यक्ति ये एक्सपर्ट है और ये इस चीज में वह एक्सपर्ट है। अगर एक्सपर्ट है तो हम उसको लिए एक परमिट देते हैं कि मेरे यहाँ इस काम के लिए 1 साल की जरूरत है, 2 साल की जरूरत है, 3 साल की जरूरत है। पहली बात तो 3 साल की तो बात ही छोड़ दीजिए, कम से कम 1 ईयर एंड 2 ईयर्स की बात आती है। अब उस 2 ईयर्स या 1 ईयर्स में हम उसको वर्क परमिट दे सकते हैं। वर्क परमिट यानी काम करने की इजाजत, ठीक है, काम करने की इजाजत हम उनको दे सकते हैं। अगर वह ठीक वह लिख करके हम अपने एम्बेसी के थ्रू उनको हम भेजते हैं और उसके बाद से हम उनको बुला लेते हैं, यानी हमने ये सहमत किया एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कि मैं जापान का, चाइना का या किसी भी देश की मैं बात करूं, वहां से इस व्यक्ति को मैं बुलाना चाहता हूं, और उस व्यक्ति को हम बुलाते हैं। और जो भी हमारे देश का रूल्स है, जो भी हमारे देश के कानून है, उस कानून के अंतर्गत हम उसे बुलाते हैं और उस नियम को हम भी पालन करते हैं और वह बंदा भी पालन करेगा। तो वर्क परमिट में वो सारी चीजें लिखी जाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप एग्री हैं तो आप मेरे देश में आ सकते हैं, अगर नहीं तो आपको आने की इजाजत नहीं है, फिर न हम वर्क परमिट दे पाएंगे न आपको वीजा दे पाएंगे। तो ये तो हुआ काम के सिलसिले में। अब यहाँ फ्रॉड क्या होता है वो जान लीजिए। अब फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड में क्या हुआ, हम आपको टूरिस्ट वीजा पर बुला लिए। तो हर देश में का जो संविधान कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वह एक रूल बताता है कि हमारे यहाँ टूरिस्ट वीजा पे आप आएंगे तो इतने दिनों तक आप हमारे यहाँ रह सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि हम इंडिया की बात करें, दुबई की बात करें, जैसे दुबई में क्या है, हम 90 दिन की बात करें, एक एग्जांपल है, कोई जरूर नहीं एग्जैक्ट टाइम हो, तो मैं ये बात कर रहा हूँ। जैसे सपोज करिए इंडिया में, इंडिया ने एक ऐसा रूल्स निकाला कि आप मेरे यहाँ अगर आप विजिट वीजा पे आते हो या टूरिस्ट वीजा पे आते हो, टूरिस्ट यानी आप घूमने के लिए आते हो, आप काम करने के देश नहीं आते हो, लेकिन किसी ने आपके साथ ये फ्रॉड किया कि आप 3 महीना तो जाओगे ही जाओगे,
चलो भाई आपको मैं भेज देता हूँ, आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं और 3 महीना आपको छोड़ देते हैं, 3 महीने बाद हिंदुस्तान के एम्बेसी से उठा के आपको बाहर भेज देंगे, आपके देश में भेज देंगे। फ्रॉड हुआ कि नहीं आपके साथ? आप बताइए, फ्रॉड हुआ कि नहीं आपके साथ? तो ये फ्रॉड होता है और आपको यह जानने की जरूरत है कि आप किसी भी, जब भी आपको कहीं बाहर जाना हो तो ये बात जानिए कि आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं या टूरिस्ट पे जा रहे हैं, टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं। मैं यहाँ बात कर रहा था इलेक्ट्रिशियन के लिए, ये सारी बातें इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको इन बातों को समझने के लिए इन बातों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इलेक्ट्रिशियन चाहे आप 5 क्लास पास हो, 8 क्लास पास हो, हाई स्कूल पास हो, आप जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन एक रूल है, उस रूल को आप जानिए, आपको जानना होगा वह रूल क्या है। अगर आपने हाई स्कूल की परीक्षा नहीं पास किया है तो आपको इमिग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, आपको उस देश की एम्बेसी, उस देश की जो अथॉरिटी है वो आपको ये कहेगी कि आप हाई स्कूल पास नहीं हैं, आपको इतनी पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए आपको परमिशन तो दिया जा रहा है लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ। जी हाँ, बहुत ही सावधानी, ये दिक्कत आती है। अगर आपको आपका आपको भेजने वाला ये सारी चीज़ें पूरी कराता है तो ठीक है, अगर नहीं कराता है, अगर कहता है कि आपको कराना होगा, तो सपोज करिए आप दुबई गए, आप कहीं गए, सऊदी गए, कई लोग ऐसे वहाँ से वापस आ जाते हैं, उन्हें भेज दिया जाता है, वहाँ वह डिपार्टमेंट जो आपको परमिशन देता है वो आप पर मुहर नहीं लगाता है कि आप यहाँ पे 3 महीने रह सकते हैं, 6 महीने रह सकते हैं या 1 साल रह सकते हैं। तो कई तरह की लीगल दिक्कतें आती हैं, इन दिक्कतों को आपको समझना चाहिए क्योंकि यह मैटर आपके भविष्य का है, आपके कैरियर का है। अगर इन बातों को आप नहीं समझते हैं तो निश्चित रूप से यही वो लोग होते हैं जो जाकर फंस जाते हैं। कहाँ पे? उनको कहीं बंधक बना दिया जाता है, जो जिस काम के लिए बोले, इलेक्ट्रिशियन के काम के लिए बुलाया, होटल में वेटर का काम कराया, टॉयलेट साफ करने का काम कराया, लैट्रिन बाथरूम साफ करा रहे हैं, झाड़ू पोछा करा रहे हैं, ऐसे लोग फंस जाते हैं जाकर के, क्योंकि उनके साथ ये धोखा होता है। मेरा मकसद है आपको बताना, आपको जानकारी देना, मानना आपका आपका काम है, ना मानना आप समझिए, क्योंकि मैंने आपको हर एक बात को बताया, आप समझिए, निर्णय लीजिए, कोशिश करिए, फिर आप जाइए। अगर आप चाहते हैं कि सही सलामत रहें, आपका परिवार, आपका घर, आपका देश आपकी बात करें, तो निश्चित रूप से आप इन बातों का ख्याल जरूर रखिएगा, नहीं तो बाहर के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसमें आप फंस जाएंगे और फंसने के बाद आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक बात मैं और बता दे रहा हूँ, अगर आपने हाई स्कूल पास कर लिया है, इंटरमीडिएट है, तो फिर आपको ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको ये माइग्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं है, आपको मुहर लगवाने की भी जरूरत नहीं है, ये तमाम तरह की कई बातों में देखिए कुछ चीजें आती हैं। मैं ये जो शब्द इमिग्रेशन बोल रहा हूँ, ये नॉर्मली आपके आपको समझने के लिए बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ तो वास्तव में इसका अर्थ बहुत कुछ निकलता है, तो जो चीज आप आसानी से समझ सकें उसी बात को मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।